सीबीएसई बोर्ड अब क्लास 9 से 12 तक के लिए ओपन बुक एग्जाम कराने की तैयारी कर रहा है। तो एक खबर बड़ी तेजी से फैल रही है कि सीबीएसई 2024 बैच के लिए ओबीई कंडक्ट करने वाला है, यानी ओपन बुक एग्जाम, मतलब कि बच्चे एग्जाम के दौरान किताबें खोल के आंसर लिख सकते हैं। और ये इतनी तेजी से हर न्यूज चैनल फैला रहा है कि बच्चों को सच में ऐसा लगने लग गया, और ये एक तरह से क्या है, दूसरे बच्चों के साथ पार्शियलिटी करी जा रही है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे न्यूज़ मीडिया की इतनी गंदी आदत है कि कोई भी ऐसी खबर आ जाए, कोई भी जैसे चटपटी ऐसी खबर आ जाए जो सच हो या ना हो, उसको इतना फैला देंगे कि अगर वो झूठ भी है ना तो वो सच लगने लग जाता है। तो यहाँ पे द एजुकेशन इंडिया वालों ने आर्टिकल डाला है जहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो सीबीएसई है वो ओबीई नहीं अडॉप्ट कर रही है। ओबीई को टेस्ट किया जा रहा है इस साल नवंबर से दिसंबर में, टेस्ट किया जाएगा कुछ पायलट स्कूल्स में, मतलब सारे स्कूल्स में नहीं, कुछ सिलेक्टेड पायलट स्कूल्स होते हैं उसमें टेस्ट किया जाएगा। लाइक जैसे कि हम नॉर्मली टेस्ट वगैरह देते हैं, वैसे ही एक ओबीई मतलब ओपन बुक एग्जाम कराया जाएगा जिसके थ्रू एनालाइज किया जाएगा कि स्टूडेंट ट्रेनिंग, स्टूडेंट और टीचर्स को क्या ट्रेनिंग देने की जरूरत है अगर फ्यूचर में इम्प्लीमेंट कराते हैं तो। इम्प्लीमेंट अभी नहीं हो रहा है। और यहाँ पे ये भी क्लियर कर दिया गया है कि कोई भी ओबीई नहीं लिया जा रहा है, या फिर इंटरनल असेसमेंट के बदले ओबीई नहीं होने वाला है। आपके एग्जाम सेम मोड में होंगे जैसे अभी तक होते आ रहे हैं, उसी तरह आपके एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। ओबीई सिर्फ क्या था, एक टेस्ट एंड ट्रेनिंग करके देख रही थी क्या इंडिया में वो फिजिबल रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि काफी कंट्रीज में ऐसा किया जाता है। तो सीबीएसई और दिल्ली यूनिवर्सिटी, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले ओबीई हुए थे अभी जब कोविड का सीजन था, तो वहाँ जो डिस्कशन किया जा रहा है लेकिन कोई ऐसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। जैसे कि 2013 और 14 में भी ऐसा करने की कोशिश करी गई थी, पर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और स्टेक होल्डर्स का रिव्यू काफ़ी बेकार रहा था तो उसको नहीं इम्प्लीमेंट किया गया। तो इस साल भी ऐसा कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने वाला है, सिर्फ ट्रायल एंड टेस्ट किया जा रहा है, वो भी सिलेक्टेड स्कूल और सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स में। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपके साथ कोई पार्शियलिटी नहीं होने वाली है और पेपर भी आपका उसी मोड में होगा, कोई ओबीई मोड में नहीं होगा। होप आपको यार बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ओबीई के बारे में क्या न्यूज है और क्या फैक्ट्स है। स्टिल आपका कोई भी डाउट रहता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।